मुरादाबाद के थाना भोजपुर के इलाके गांव रानी नांगल स्थित एक पुराने कपड़ों का गोदाम मौजूद है, जिसमें लोग पुराने कपड़े खरीदकर दरी बनाकर लोगों को बेचने का काम करते हैं। मंगलवार की दोपहर अचानक गोदाम में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने गोदाम को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम से जब लोगों ने धुएं के साथ आग की लपटों को उठा देखा तो सभी ग्रामीण गोदाम की ओर दौड़ पड़े और सभी ने गोदाम मालिक की मदद करते हुए एक खिड़की के सहारे अंदर घुसकर बचा कपड़ा पोटली में बांधकर बाहर निकाला। ग्रामीणों को इस आग में गोदाम मालिक की मदद करते साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई है उसमें जिला मुरादाबाद की फायर ब्रिगेड यूनिट के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि संभवतः फायर ब्रिगेड लोगों को आग से बचाव के लिए मॉकड्रिल करने के कार्यक्रम में लगी हुई थी। गोदाम मालिक का इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिससे हुए नुकसान के कारण उसके विलाप करने की आवाज इस लगी आग की वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। उधर चीफ फायर ऑफिसर सुभाष कुमार चौधरी ने बताया, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। अभी आग कैसे और क्यों लगी इस बात का पता लगाया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर ने आग में लाखों रुपए के नुकसान की पुष्टि करते हुए कहा, गोदाम में रखा कपड़ा जलकर राख हो चुका है। ये गोदामों में आग लग गई, कपड़े के बेस्ट कपड़े होते हैं। हाँ, जो पुराना कपड़ा होता तो कितने गोदाम होंगे? लगभग गोदाम 15-20 गोदाम होंगे। 15-20 सभी जल गया? सभी जल गया सर। लगभग फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई? फायर ब्रिगेड तो बहुत देर के बाद आई, घंटों लग गए, 4-5 घंटे हो गए। फोन करते हैं सिस्टम आई। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत है, बहुत नुकसान है इसमें, कहाँ तक सभी जल गया ना बचा। ये रानी नांगल में ये वेस्ट कपड़ों को ला करके यहाँ से उसकी छिटाई करके फिर अलग जगह भेजा जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट कपड़े यहाँ पे आते हैं। इनका पूरा भंडार पूरा खुले में गोदाम टाइप लगा करके कुछ अंदर और कुछ बाहर में पड़ा हुआ रहता है। तो इसमें किसी कारणवश से आग लगी है। ये आग बहुत बड़ी आग है, इसमें पानी की मात्रा बहुत आवश्यक है, इसलिए पानी के स्रोत भी खोजे जा रहे हैं। फायर सर्विस की गाड़ियां हमें मौके पर दो मौजूद है, 2-3 गाड़ी और हमें मंगाई जा रही है। घटना पर काबू पाने के लिए लोगों को भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है, ताकि फायर की गाड़ियों के लिए रास्ता रहे और आग की घटना पर काबू पाने के लिए। कुछ आरोप लगाया कि 1 बजे आपकी सूचना दी गई और 5 बजे गाड़ी है, इसका क्या मामला? नहीं, पहली तो बात है कि 5 तो अभी तक भी नहीं बजे है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमें सूचना मिलती है, हमारी गाड़ी ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद से कटघर फायर स्टेशन से रवाना की गई और तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी आग बुझाने की कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। इसमें कोई डिले नहीं किया गया है और अभी भी जो आग है वो एक तरफ से तो काबू में कर ली गई है, दूसरी तरफ से अभी और ज़्यादा है, तो जेसीबी वगैरह मंगा ली गई है, क्योंकि इस तरह के कपड़े के जो फायर है वो डीप सीटेड फायर होती है, अंदर तक होती है, उस अंदर तक उसके लिए जेसीबी की मदद से उसको कुरेद करके तब बुझाना होता है, इसलिए इसमें समय लगेगा, इसमें जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। घटनास्थल से मुरादाबाद की कितनी दूरी है? घटनास्थल से मुरादाबाद की दूरी लगभग 12 किलोमीटर होगी और ठाकुर द्वारा की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, 12 से 15 किलोमीटर मुरादाबाद की दूरी। नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वेस्ट कपड़े का गोदाम पूरा पड़ा हुआ है, पूरा भंडारण है, तो इसमें क्या है, क्या रेट होता है वेस्ट कपड़े का, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कितना टन था कितना नहीं उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अभी आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है, इसमें कई लोगों के इस तरह के ये हैं भंडारण, संयुक्त रूप से कई लोगों के हैं, अब ये नहीं पता अभी एक्चुअल में कौन कौन है। इस तरह की आग में जब इस तरह के कपड़े का गोदाम इतने बड़ी मात्रा में एकत्र होता है तो वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, एक साथ में इतना बड़ा भंडारण नहीं करना चाहिए, अलग अलग हिस्सों में उसको करना चाहिए, बीच में दीवारें लगी होनी चाहिए ताकि एक तरफ की आग दूसरी तरफ ना फैले। तो इस तरह के उपाय अगर किए जाएंगे तो फिर आग को, बड़ी आग को रोका जा सकता है, छोटी आग को ही तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। जिन गोदामों में आग लगी क्या था ये खुले में थे या बंद में थे? कुछ बंद है कुछ खुले में है, खुले में ज़्यादा है बंद में कुछ कम है।